नंबर 26 देखिए, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज टू, मतलब दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसका हाफ टू मिलेगा। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स के बीच की कंडीशंस हमें दे रखी हैं और वो नंबर्स हमें निकालने हैं। तो पहले तो मैं वो दो नंबर्स मान लेता हूं। लेट फर्स्ट नंबर, या फिर आई मस्ट से ग्रेटर नंबर, क्योंकि एक उनमें बड़ा है और एक छोटा है। सो लेट ग्रेटर नंबर इज एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए आप क्या कह रहा है। पहली कंडीशन क्या कह रही है हमसे, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज टू, मतलब दोनों का डिफरेंस करें और उसका यदि हम हाफ कर दें तो हमें टू मिलता है। बस हमने कर दिया, टू को इधर ले जाएं, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि द सम ऑफ द ग्रेटर ग्रेटर और स्मॉलर के दो गुने, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 13 मिलता है। बस ऐसा कर दिया। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस आ गई, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाने वाला हूँ। अब देखो, यहाँ 2y है, यदि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा। सो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 13। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ हो गया 3x इज इक्वल टू 21, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7। x मिल गया। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, यहां हो जाएगा 7 माइनस y इज इक्वल टू 4। इस तरफ ले जाएंगे, 7 माइनस 4 इज 3, सो y इज इक्वल टू 3। x भी मिल गया, y भी मिल गया, स्मॉलर नंबर भी और ग्रेटर नंबर भी। तो केवल जो कंडीशंस दे रखी हैं उन कंडीशंस को आप लगाएं और सिंपली आप x और y की वैल्यू को निकाल पाएंगे।